वो खाना पीना ख़त्म हो जाएगी, बेचारा दूर से देखता रहा, किसी पूछता रहा कि शायद कोई परेशानी हो जाएगी लोगों को। अब उन्होंने कहा राजा ने कि कुछ खाने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा महाराज अभी तो सब खत्म हो गया है, तो बर्तन मांजने वाले वो जो पड़े हैं तो उसमें देख लो कुछ लगा हो तो कढ़ाई मांज दो। कढ़ाई में खिचड़ी बनाई हुई थी, खिचड़ी उन लगे खुर्चा, खुर्च के एक साइड में रखा, कढ़ाई मांज मूंज के रखी, तो इतने में पता चला कि वो जैसे वो लेने लगे तो चील आई और उसको ले गई उठा के। खाने की जो खिचड़ी थी वो खाने को मिल सकती थी, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता था, किसी ने दी थी अपने प्रयास से। और जैसे वो हाथ लगाने लगे, पकड़ने लगे जैसे भी ऐसे, और चील आई, चील करके ले गई, और इतने में उनकी नींद खुल गई। ये सपना देख देखा, परिवार सारा साथ में है, रानी साथ में, राजमहल में रही है, उठे चारों तरफ देखा सब कुछ ठीक है, बाहर बनाने में आए देखा राजमहल ठीक है, प्रजा दिख रही है, अंदर कोई कुछ सपना था। हाँ ये सपना है कि वो सपना है। अब ये प्रश्न उठा बड़ा प्यारा, ये सत्य है वो सत्य है। अब प्रजा को सबको बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को, और बुला करके कहा कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, वो यज्ञ चलता रहेगा, और विद्वानों को बुलाया जाए, कंडीशन रखी जाए, शर्त रखी जाए कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा तो उसको मनोकामना उसकी पूरी की जाएगी, और नहीं देंगे तो आप घर नहीं वापिस जा सकते, इस यज्ञ में पूजा पाठ जप तप नियम चलता रहेगा, जप तप नियम चलता रहेगा, आप घर नहीं जा सकते। कोई भी अगर जवाब देगा तो फिर सबको यज्ञ की पूर्णाहुति उसी दिन कर देंगे, सब जाएंगे अपने अपने घर। ऐसे करते 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 12 साल हो गए, 14 कोई जवाब नहीं दे पाया, ले सकते हैं कि बोल सकते हैं। अब एक और महापुरुष आ गए हुए थे वहाँ पे, तो वो आए हुए थे तो उन्होंने भी बड़े अच्छे दलीलें दी, लेकिन उन्होंने कहा ये वाली बात बैठ नहीं है, आप यज्ञ में रहें। अब इस बात को बड़े बड़े विद्वानों ने सुना हुआ था, सब जाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी जाते थे, तो उसी यज्ञ में राजा दरबार में महाराजा जनक के यहाँ अष्टावक्र जी पहुँच गए, छोटी उम्र के बच्चे हैं हम, अष्टावक्र का मतलब होता है 8 जगह से टेढ़े, वक्र मैंने टेढ़ा, अष्ट मैंने 8, 8 जगह से जिसके अंग टेढ़े हों, ऐसा वो संत का बेटा है, महापुरुष हैं उनका बेटा है, वो अपनी माता को पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, बोले राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ गए हैं, तो उन्होंने ऐसा एक संकल्प लिया है कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई देगा तो उसी दिन पूर्णाहुति होगी, तो वो वहीं अभी यज्ञ में ही है तो आ नहीं पा रहे हैं। बोले मैं जाता हूँ, बोले बेटा तुम्हें क्या जरूरत है जाने की, और विद्वान है, बोले नहीं मैंने भी जाना है। ये सारी सभा लगी, सभा पूरी बैठती थी बाकायदा, बड़ी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ जो विद्वान आते थे उनको लाया जाता था। अब जैसे अंदर आए, ये है अब अंदर लाया तो सामने सामने न लगा सीधे दरवाजा, 8 अंग से टेढ़े, इसमें डालो डस्टबिन में ना, जैसे राजा के पास को पहुंचे चल करके वहां खड़े हुए, ऐसे लुड़कपुड़, ज्यादा बड़े नहीं थे, लुड़कपुड़ होते थे तो सभा में क्या हुआ उनको देख के सब हंसने लगे, होता है ना कभी कभी कौतूहल, बस देखते छोटा सा जैसे बंदर का बच्चा कहीं कोई खेल रहा है उछल कूद मचाता है तो सब देखते हैं, तो सब समझदार लोग भी खुश होते हैं, देखते हैं अरे बड़ी अच्छी इसने छलांग लगाई, मजा आ गया, देखो कैसे कर रहे हैं, ऐसा करता है, ये उसकी नेचर है, ये बंदर ही है, आदमी सब बंदर ही है, इनको खुशी होती है अपना सब देख करके, इसको भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ। लेकिन खैर सारे हंस गए तो राजा की तरफ उन्होंने एक दृष्टि डाली, अष्टावक्र जो महापुरुष थे उन्होंने देखा राजा क्या कर रहा है,
तो राजा थोड़ा सा मुस्कुराया, ज्यादा नहीं हंसा, क्योंकि राजा है, विद्वान है, तपस्वी है, महापुरुष है, सारे हंसे लेकिन राजा वैसा नहीं हंसा, लेकिन उनकी चेहरे की मुस्कान से पता चला कि ये मुस्कुरा रहे, मतलब मेरे इस प्रकार के जो मेरे रवैये से ये भी प्रभावित हुए हैं। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी, महाराज मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, आपकी सभा से, सबसे, विद्वानों से, मुझे मेरे से भूल हो गई। बोले तो विद्वान बोले कि क्या भूल हुई आपसे? बोले मुझे लगा कि ये विद्वानों की सभा है, तो यहाँ तो सभी चमारों की सभा है, सब चमार बैठे हैं। बोले ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? बोले मैं कैसे बोलूंगा, आप लोग सब हंसे क्यों, क्यों हंसे? मेरे को, मेरे शरीर को देख के, मेरे चमड़े को, हार्ड मास को देख के हंसे जो टेढ़ा है? तो चमड़े की पहचान तो जवाहर को ही होती है। तो मैं तो विद्वानों की सभा में आया हुआ हूं, लेकिन यहां तो सब चमार हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यहां नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, तुम लोगों ने जो है इस प्रकार से मुझे देख करके जोर जोर से हंसना जो शुरू किया, तो मैं तो विद्वानों की सभा में आया हुआ था, तो आप तो चमड़े को देख के हंसे, तो इसलिए मैं विद्वानों की सभा में, मेरी भूल थी, मैं वापिस जा रहा हूं। राजा उठे, राजा ने प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि नहीं महाराज, आप विद्वानों की ही सभा में हैं, लेकिन हमसे भूल हो गई, क्षमा चाहते। सबने समझाया, क्षमा मांगी, बैठाया उनको, बोले राजन बोलिए आपका क्या प्रश्न है। राजन ने बोला कि मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करके ये प्रश्न करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ध्यान से सुने, क्या इस जगत में ये सत्य है कि वो सत्य है? राजा पूछ रहे हैं महाराज अष्टावक्र जी से कि ये जगत में क्या ये सत्य है कि वो सत्य है? तो उन्होंने जो देखा था ये सबको नहीं पता था, सब लोग अपनी अपनी विद्वता के हिसाब से बोले थे, लेकिन अष्टावक्र जी ने बहुत सुंदर कि राजा ना ये सत्य है ना वो सत्य है, अब बताओ तुम्हें मैं कितने दिनों का सत्संग करूं, कितनी देर में इसका जवाब दूं? बोले भगवान जितना जल्दी हो सके यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाए, सभी विद्वान अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर में जाएं और सुखी रहें, और मैं भी आगे की जो मेरी यात्रा है, जो मेरे लिए उचित हो वो आदेश दे। तब अष्टावक्र जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, दो शब्दों में परमात्मा ही सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, पूरी सारा जगत मिथ्या है। कैसे? बोले ठीक ऐसे जैसे किसी व्यक्ति ने अपने ही हाथों से अपनी कुटिया, घास की कुटिया पे लकड़ी और रस्सी और कुल्हाड़ी जैसे रखी कि मैं जंगल में जाकर के लकड़ियां लेने जाकर के लाऊंगा लकड़ियां, और फिर मैं उसका व्यापार करता हूं, तो व्यापार करूंगा। तो वो किसी कारणवश वो रुक गया, तो उसने अपनी कुटिया के दरवाजे पे रस्सी टांग दी, कुल्हाड़ी नीचे रख दी, और फिर वो किसी और कार्य में लग गया। दोपहर के बाद शाम हो गई, शाम होते ही अंधेरा हुआ, अंधेरा होते ही जब वो अपनी कुटिया में अंदर जाने लगता है तो दरवाजा हिला और रस्सी हिली, और रस्सी हिलते ही रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी में सांप दिखाई, जो कि वो सांप नहीं है, उसी ने रखी है, लेकिन वो अब डर के मारे कुटिया के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि उसे वो उस सांप का भान हो रहा है जो कि वो रस्सी है, रस्सी में सांप दिख रहा है। रात भर ठुठुरता रहा, रात भर बाहर रहा, खाना नहीं खा सका, खाना अंदर पड़ा है और वो बाहर देख रहा है, और डंडे से अगर किसी तरह से गेट को हिलाता है
लकड़ी का गेट है, हिला रहा है तो वो सांप भी हिल रहा है, जो कि वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। उसके अंदर यहां पे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया ये सांप है। अब जैसे सुबह हुई प्रकाश हुआ, मतलब समझने का यहां ये है कि अंधकार जो था जिसे अज्ञान कहा गया है, अंधकार रूपी अज्ञान, वो अज्ञानता के वशीभूत होकर के रस्सी में सांप देख रहा था, और जैसे प्रकाश रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो रस्सी दिखने लगी, जो कि थी रस्सी, सांप नहीं था वो। अब क्या ये सत्य है कि वो सत्य है? ना वो सत्य है सांप, ना ही ये सत्य है, क्योंकि रस्सी मैंने रखी थी, मैंने सांप बना दिया, जो कि सांप था नहीं, मैंने ही बनाया वो सांप मेरे ही अंदर, और मैंने ही अब उठाना है। कब? जब मुझे अज्ञान रूपी अंधकार मेरा जब दूर हो जाए, प्रकाश रूपी ज्ञान जब मेरा उत्पन्न हो जाए, प्रकाशित हो जाए, तो मैं ही उसे उठा के बाहर फेंकूंगा अपने हाथ से। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये परमात्मा की कृपा से, भगवान की दया से जब ये प्रकाशित होता है, तो फिर परमात्मा का वो जो आशीर्वाद या कृपा वो प्राप्त होती है। हम लोग सब अज्ञानता के वशीभूत होके अभी इधर उधर परेशान हो रहे हैं, ये सत्य है, बर्गर भी सत्य है, पिज्जा भी सत्य है, ये खाने की चीजें सारी सामग्रियां सत्य हैं, गाड़ियां भी सत्य हैं, परिवार भी सत्य है, सारा बिल्डिंगें भी सत्य हैं। बिल्डिंग जब एक जमीन के अंदर, खाली जमीन में बिल्डिंग नहीं थी, तब ये प्लाट सत्य था। अब बिल्डिंग सत्य हो गई, प्लाट है नहीं, प्लाट नहीं है, बिल्डिंग बोली जाएगी। अब ये बिल्डिंग किसकी है? पर बिल्डिंग से पहले, उस मकान से पहले वो प्लाट था, तो बोला जाता था ये प्लाट किसका है। अब प्लाट सत्य है, अब प्लाट खत्म होके बिल्डिंग बन गई, अब प्लाट खत्म हो गया वो सत्य नहीं रहा, खत्म। अब ये बिल्डिंग किसकी है? अब ये भी नहीं रहेगी, एक टाइम ऐसा भी आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल सत्य यही है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है। ये इस प्रकार से हमें रस्सी में, अपनी ही रस्सी रखी हुई, सांप का भान हो रहा है, वही स्थिति हम सबकी है। ऐसे इस दृष्टि से जब बोला राजा जनक को, तो राजा जनक को समझ में आ गया कि वो जो मैं भीख मांगता था, मैं परेशान हो गया था, जो राजा ने मेरे पे चढ़ाई करी और मेरा राजपाट चला गया, और मुझे लगा कि मैं भिखारी हो गया, और वो सपना था, सपने में, और बाद में आंख खुली तो देखा कि परिवार मेरा मेरे साथ में, कोई राजा मेरे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं किया, किसी ने मेरे साथ युद्ध नहीं किया, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि वो जो मैंने देखा क्या वो सत्य है, क्या ये सत्य है? तो ये भी नहीं रहेगा, बीवी बच्चे परिवार राजपाट कब तक रहेगा, ये भी नहीं रहना है। वो जो देखा वो भी खत्म हो गया, लेकिन वो भी नहीं रहा, वो भी बड़ा भयानक सपना था, वो भी सत्य नहीं है। तो फिर बोले ये भी सत्य नहीं है और वो भी सत्य नहीं है। तो बोले सत्य क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये परमात्मा का ही स्वरूप इस पूरे जगत में दिख रहा है, यही परमात्मा ही सत्य है। हमारे जन्म लेने से पहले पहले भी ये जगत था, हमारे चले जाने के बाद भी ये जगत रहेगा। इस शरीर से पहले हम क्या थे पता ही नहीं है, कहां सत्य थे पता नहीं, किसके घर में थे, क्या बैल थे, क्या कोई कुत्ते के रूप में थे, क्या कोई घोड़ा थे, गधा थे, क्या थे, या फिर इंसान थे, क्या सत्य है पता नहीं। अब ये भी सत्य नहीं, अब वो जो है नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसीलिए सिर्फ एक प्रभु का नाम सुमिरन किया जाए, जाप किया जाए, जितना हो सके राम राम राधे राधे जो जपना है जप लो, बस प्रश्न उत्तर मत करो, जितना हो सके जाप करो, जाप करो, जाप करो, इसी में कल्याण। जय जय श्री राधे।